राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ मिलकर सीखें, आओ मिलकर गाएं। इस श्रृंखला में आओ मिलकर गाएं परियोजना में सम्मिलित गीतों को सिखाने के लिए ध्वनि कार्यक्रमों के रूप में शिक्षकों हेतु सहायक सामग्री तैयार की गई है। विद्यार्थी स्वयं भी स्वतंत्र रूप से इन ध्वनि कार्यक्रमों के द्वारा गीतों को सीखने का अभ्यास कर सकते हैं। आओ मिलकर गाएं परियोजना में विभिन्न भाषाओं के गीत सम्मिलित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का दोहन करना है जो बच्चों को उन अनुभूतियों का अनुभव कराने में सहायक हों जो प्राकृतिक वातावरण, लोगों के रहन-सहन तथा भाषाओं में विस्तृत भिन्नता होने के बावजूद भावात्मक एकता के सूत्रों की सराहना करने जैसे मूल्यों को अर्जित कर सकें। बच्चों में सामूहिक गायन द्वारा देशभक्ति, सहनशीलता और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और प्रशंसा आदि जैसे मूल्य भी आत्मसात किए जा सकते हैं। सही गायन के लिए जरूरी है गायन को सीखना। इन गीतों को सिखाने के लिए एनसीईआरटी ने देश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। इस दौरान यह अनुभव किया गया कि यदि प्रशिक्षण हेतु सहायक सामग्री के रूप में ध्वनि कार्यक्रम भी उपलब्ध हों तो अभ्यास और अधिक सार्थक बन सकते हैं। इसी क्रम में गीत के शब्दों के उच्चारण से परिचित होना, उच्चारण अभ्यास करना, गीत का भावार्थ जानना, गीत की धुन का ज्ञान होना तथा गीत की धुन को बच्चों के साथ लय और गति में गाकर सीखने और सिखाने का प्रयास इन कार्यक्रमों में किया गया है। अब प्रस्तुत है संस्कृत भाषा में लिखित गीत ओम संगच्छध्वम। सबसे पहले सुनते हैं उच्चारण बोध हेतु गीत का पाठ। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति यथा वह सुसहासति। यदि गीत का भावार्थ ज्ञात हो तो गायन में भावना का समावेश सरल हो जाता है। अब प्रस्तुत है गीत और गीत का भावार्थ। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संगच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्। सब लोग प्रेम पूर्वक मिलकर चलो, मिलकर बोलो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते
सबके मन परस्पर मिले हुए हों, जैसे कि प्राचीन काल से सज्जन अपने अपने कर्तव्य का पालन करते आए हैं। सामानीव आकुते समाना हृदयानीव समान मस्तु वो मनो यथा सबकी संकल्प शक्ति समान हो, साथ साथ मिलकर सुख पूर्वक रहो। गायन में अधिकार के लिए अभिव्यक्ति में प्रवाह जरूरी है और इस प्रवाह के लिए आवश्यक है गीत के शब्दों, गीत की पंक्तियों का मौखिक अभ्यास करना। मौखिक अभ्यास का एक प्रारूप इस प्रकार है। ओम ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते संजा नाना उपासते समानीव आकूतिः समानीव आकूतिः समाना हृदयानीव समाना हृदयानीव समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति यथा वह सुसहासति। मौखिक अभ्यास को बार बार तब तक किया जा सकता है जब तक गीत को ठीक तरह से बोलना सीख न जाएं। इसके बाद गीत की धुन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। देवा भागं यत्
इस धुन का अभ्यास बार-बार तब तक किया जा सकता है जब तक धुन ठीक तरह से सीख न ले। इसके बाद गीत को सामूहिक गायन के रूप में गाने का अभ्यास किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बच्चों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए और गीत की लय और गति को प्रारंभ में धीमा रखने की दशा में यह जरूरी है कि बच्चों को गीत की वास्तविक लय और गति से परिचित कराया जाए। इसलिए अंत में गीत की वास्तविक लय और गति की जानकारी देने के लिए यह गीत सुनें और कार्यक्रम सुन रहे श्रोता लय और गति के अभ्यास के लिए इस गीत के साथ-साथ गा सकते हैं। बार-बार अभ्यास के बाद अपेक्षित दक्षता विकसित कर लेने पर यह भी सुनिश्चित करें कि हम अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त देश की अन्य भाषा में गायन को गौरव के रूप में लेते हैं और गीत की धुन को अनायास गुनगुनाने के प्रति आकर्षित होते हैं। इन कौशलों के विकास का अर्थ है परस्पर समरसता की भावना का विकास होना और यही इस परियोजना का मूल मंत्र भी है। आओ मिलकर सीखें
आओ मिलकर गाएं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना एवं समन्वय प्रोफेसर दलजीत गुप्ता, संगीत गायन एवं शिक्षण अभ्यास रीटा बोकिल, गीत ध्वनिंकन सुरेंद्र गांधी, कार्यक्रम ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन, निवेदन कथ्य और कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।